गोविंदगढ़ कस्बे के पास गांव न्याना में एक युवक को पीछे से वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर से युवक घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से गोविंदगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से सीरियस हालत में प्राथमिक उपचार देकर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल अलवर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय युवक ने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारी हारून खान ने बताया कि टेलीफोन के जरिए सूचना मिली कि न्याना गांव के पास एक युवक को पीछे से वैन ने टक्कर मार दी। सूचना पर जाप्ता मौके पर पहुंचा और युवक को गोविंदगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार देकर युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल अलवर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय युवक ने अपना दम तोड़ दिया। मृतक का नाम चरण सिंह जाटव पुत्र सुमेल लाल निवासी न्याना है, जो अपने किसी काम से घर के बाहर पैदल पैदल जा रहा था। पीछे से आती तेज गति की वैन गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन कर पुलिस की सहायता से युवक को गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया, लेकिन जिला अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने वैन गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। हुआ है किसी व्यक्ति का न्याणा गाँव में, तो आगे सूचना को जो है थोड़े ड्यूटी ऑफिसर को जो है भेजा गया वहाँ पर, और जाने के बाद उन्होंने वहाँ देखा कि बैन है और बंदा है जो हुआ पड़ा, जिसको लेकर के तुरंत लेकर के हॉस्पिटल सीएचसी अपने गोविंदगढ़ में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने फर्स्ट एड दे करके उसको अलवर के लिए रेफर कर दिया। उसके परिजन साथ थे, उन परिजनों के साथ में जो है उसको अलवर के लिए रवाना कर दिया। बाद में अलवर जीएच हॉस्पिटल चौकी से सूचना मिली कि नहीं आपके इलाके गोविंदगढ़ इलाके नारा गांव का जो बंदा जो है मृत हो गया है, जिसका पोस्टमार्टम करवाना है, तो इसके लिए आओ। तब मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँच करके मालूम किया और पता चला कि चरण सिंह सलोक सुमेरीलाल जाति जाटा, उम्र करीब 42 साल, निवासी न्याणा, जिसका सवेरे एक्सीडेंट हुआ था वो जो है रास्ते में एक्सपायर हो गया है, जिसको डॉक्टर ने घोषित करके उसका पोस्टमार्टम करवाना है। बाकी ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई चालू है।